गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 क्या था बच्चों, आपको याद होगा, अ लेटर टू गॉड, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से लेंचो नाम का जो एक फार्मर रहता है, उसकी जो मक्के की फसल रहती है वो ओलेवृष्टि के कारण किस प्रकार खराब हो जाती है। और उसके बाद लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो आगे कैसे कायम रहता है और क्या इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे टर्निंग्स आते हैं, उसको हम आगे के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और हम इसका पार्ट 2 आगे समझते हैं। शुरू करें बच्चों। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या बोल रहा था कि इस पूरे अकेले घर में, जो कि कहाँ स्थित था, उस घाटी के मध्य में, वहां पर रहने वाले सभी के दिलों में एक ही आशा की किरण थी। जब हम हर प्रकार से हताश और परेशान हो जाते हैं तो हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं, तो उनके पास भी एक ही आशा की मात्र किरण बची थी, एक ही आशा थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की इच्छा थी उनकी, उनकी आशा थी भगवान से मदद लेना। Don't be so upset, even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. अब वहाँ रहने वालों में से एक कोई व्यक्ति बोलता, हो सकता लेंचो कहता है कि don't be so upset, उदास मत हो, अपना धैर्य मत खो, भले ही हमको ऐसा लग रहा है देखने में कि ये हमारा पूरा सब कुछ टोटल लॉस हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ध्यान रखो, remember, no one dies of hunger. कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, इस बात का ध्यान रखो। That's what they say. No one dies of hunger. ऐसा वो किस हिसाब से कह रहा था, सभी लोग कह रहे थे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's कंसाइंस। अब यहाँ बोल रहा, पूरी रात लेंचो सिर्फ उसी आशा के बारे में सोचता रहा, पूरी रात वो रहा सोचता रहा, क्या सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर जिसकी आंखें सब कुछ इंस्ट्रक्ट करती हैं, देखती भी हैं हर चीज, यहाँ तक कि हमारे अंदर वंस कंसाइंस, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, कंसाइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम अंदर अच्छा या बुरा क्या सोच रहे हैं उसके बारे में भी वो सब कुछ जानते हैं, मतलब गॉड इज ओमनीपोटेंट, और गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, हर जगह व्याप्त है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन का बच्चों मतलब बहुत ही मेहनती, क्या है, ऑक्स जो रहते हैं, जो बैल रहते हैं, वो खेतों में कितना ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं, तो वो बोलता है कि उससे तुलना की लेंचो की, क्योंकि लेंचो है वो कैसा है, बहुत मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और क्या करता था वो अपने खेतों में एक पशु की तरह मेहनत करता था, इतनी ज़्यादा जीतोड़ मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके साथ साथ वो लिखना भी जानता था, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेहनती था तो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह, मॉर्निंग का टाइम, तो उस संडे जब सुबह सुबह होता है, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और संडे, अगले संडे सुबह ही वो क्या करता है, लिखना चालू करता है एक पत्र, जिसको वो स्वयं शहर ले जा करके मेल में पोस्ट कर देगा, और वो कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम का एक पत्र रहता है। अब देखें बच्चों कि कैसे वो पत्र लिखता है। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, बोलता है ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई क्यों भूखे रह जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि उसकी पूरी मक्के की फसल जो है वो नष्ट हो चुकी थी। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। कितना इनोसेंस से लिखता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। पैसों क्या है, अब पैसों समझते हैं,
करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो करेंसी है उसको पैसोस कहा जाता है। तो कहता मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है जिससे मैं अपने खेतों में पुनः बुवाई कर सकूं, सोया ने बोना, मैं पुनः बुवाई कर सकूं, और जब तक नई फसल प्राप्त नहीं होती तब तक हमारे खाने पीने का भी इंतजाम होगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओलों ने मेरी, ओलों वाले तूफान ने मेरी, और उसके बाद वो पूरी स्टोरी अपनी जो है वो ईश्वर के लिए लिख देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब वो एड्रेस में क्या लिखता है, टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स। अब वो ऊपर क्या लिखता है, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखता है, और वो उस पत्र को उस एनवेलप के अंदर रखता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, शहर जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से स्टैम्प लेता है, उसमें लगाता है लेटर में, और उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड। वहाँ पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय रहते हैं पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था, वो अपने बॉस, बॉस कौन होगा वहाँ का, पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर के पास वहाँ जाता है और बहुत अच्छे से हंसता हुआ, बहुत ज़्यादा हंसता हुआ जाता है, और वो जो लेटर टू गॉड है वो किसको दिखाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने इतने दिनों के कैरियर में, जब वो पोस्टमैन था, पोस्टमैन है, तो इतने दिनों के कैरियर में उसने ये एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब जो पोस्ट मास्टर रहता है वो कैसा रहता है, ये क्वेश्चन में आ सकता था कि पोस्ट मास्टर कैसा, तो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ही दोस्ताना और प्रसन्न चित्त व्यवहार वाला व्यक्ति रहता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। अब जो पोस्ट मास्टर रहता है वो भी क्या रहता है, बहुत हंसमुख मिलनसार व्यक्ति का इंसान रहता है, और वो भी क्या होता है, हंसना चालू कर देता है, लेकिन तुरंत ही वो बहुत गंभीर हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर रखते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर। अरे कितना विश्वास की बात है, कितना बड़ा विश्वास है, मैं भी आशा करता काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने कि इस लेटर को लिखा है, इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति जैसा विश्वास काश मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसका विश्वास कितना बड़ा है कि वो सीधे ईश्वर से, सीधे गॉड से बात कर रहा है, सीधे उनसे पत्राचार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर came up with an idea, answer the letter। तो इसलिए कि उस लिखने वाले का विश्वास ईश्वर से ना टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है और वो चाहता है कि वो उस लेटर का, उस पत्र का जवाब दे, ताकि उस विश्वास करने वाले व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर बना रहे। But when he opened it, लेकिन जैसे ही वो उसको खोलता है, it was evident that to answer if he needed something more than goodwill, इंक एंड पेपर। जब वो उस पत्र को खोलता है और पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, इसका आंसर सिर्फ एक गुडविल यानी एक अच्छे वचन नहीं है, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र के उत्तर के लिए तो बहुत दूसरी अन्य चीजों की आवश्यकता है। आप बता सकते हैं इस पत्र में उसको और किस चीज की आवश्यकता थी, अभी मैंने पढ़ाया 100 पैसे उसकी आवश्यकता थी, अर्थात सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद, इंक और पेपर काफी नहीं था। बट He stuck to his resolution, लेकिन वो अपने resolution यानी दृढ़ संकल्प, तो वो अपने उस संकल्प पर अड़ा रहता, अडिग रहता है कि नहीं, मैंने बोला है कि मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं इसको जरूर कंप्लीट करूंगा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या होता है यहाँ पर कि वो सिर्फ
पत्र का उत्तर लिखने जाता है तो उसको पता चलता है कि इसको 100 पैसे चाहिए और कुछ भी चाहिए, लेकिन वो बोलता नहीं, मैं इस पत्र का जवाब उस व्यक्ति को जरूर लिखूंगा। तो उसके लिए उसको 100 पैसे की जरूरत होती है, और एक व्यक्ति के लिए इतना काफ़ी नहीं रहता कि वो अकेले 100 पैसे जुटा ले। तो क्या करता है वो पैसों के लिए किससे बात करता है, अपने ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे भी कुछ पैसे लेता है, वो लोग देते हैं उनको, वो खुद भी वो अपने सैलरी के में से एक पार्ट इसमें दान करता है, और उसके जो कई दोस्त रहते हैं उनसे भी क्या करता है, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के नाम पर कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करता है। अब आपको समझ में आया कि लेंचो ने पत्र लिखा, पोस्टमास्टर ने पढ़ा, और पोस्टमास्टर जो है वो गॉड की तरफ से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है और पैसों की व्यवस्था करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसे, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत असंभव था कि वो सबसे लेकर के 100 पैसे इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए इसके पास जितना कलेक्ट होता है, मोर देन हाफ यानी आधे से भी ज़्यादा जितना वो कलेक्ट कर पाता है, तो वो उस किसान के लिए भेजने को तैयार हो जाता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब वो क्या करता है, सारे पैसे इकट्ठा करता है और सारे पैसों को कहाँ रखता है, एनवलप में रखता है, लेंचो का एड्रेस करता है और उसमें क्या लिखता है, एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर की जगह गॉड, GOD, गॉड लिख करके उसको भेज देता है। अब इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, सेकंड क्वेश्चन हु रीड द लेटर, थर्ड क्वेश्चन व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। ये तीनों क्वेश्चन आपको इसके आंसर जो हैं जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें मिलेंगे, आप कोशिश करेंगे कि इसके आंसर ढूंढ के रखें, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको बताऊंगी। अब आगे देखते हैं, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे लेंचो को क्या रहती है, बड़ा उत्सुकता रहती है, बड़ी जिज्ञासा रहती है, तो वो जल्दी आ जाता है और वहाँ जाके पूछता है क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, उसको आशा रहती है कि ईश्वर उसके लिए कुछ मदद भेजेंगे। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर। अब यहाँ पर क्या रहता है, पोस्टमैन खुद रहता है जो लेटर किसको दे देता है, उसको दे देता है पोस्टमास्टर की तरफ से, और जो पोस्टमास्टर रहता है एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब पोस्टमैन उसको लेटर लेंचो को दे देता है और जो पोस्टमास्टर रहता है वो कंटेंटमेंट मतलब उसको सेटिस्फैक्शन रहता है कि उसने किसी की मदद की और बहुत अच्छा काम किया, तो वो वहाँ जाकर के ऑफिस से बैठ करके किसको देखता है, उस लेंचो को देखता है कि अब आगे क्या होता है। पोस्टमास्टर ने जो उसको मदद भेजी वो लेंचो को मिल गई, अब लेंचो के रिएक्शन कौन देखना चाहता है, पोस्टमास्टर देखना चाहता है। लेंचो शोक्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो जो है उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है कि ईश्वर उसको पैसा जरूर भेजेंगे और उसके लिए पैसा आया है, तो उसको कुछ सरप्राइज नहीं होता कि मेरे लिए पैसा आया है, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता वो। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को गिनना चालू किया वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि आपको पता है पूरी मनी इकट्ठा नहीं हुई थी, मोर देन हाफ इकट्ठा हुई थी। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसको ये विश्वास था कि ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता पैसे भेजने में, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो कि लेंचो ने मांगा है, मतलब लेंचो को ये विश्वास रहता है कि मैंने जितना पैसा गॉड से मांगा है वो मुझे पूरा मिलेगा, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो कहाँ जाता है, विंडो, पोस्ट ऑफिस की विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ जो राइटिंग टेबल बनी होती है सार्वजनिक वाली, उस पर जाकर के लिखना चालू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज,
और अपनी भौहों पे यहाँ पर माथे पर तनाव डालते हो, मतलब ऐसे जब अपन कुछ बहुत विशेष सोचते होते हैं तब में चेहरे पर तनाव आ जाता है, तो वह रिंकलिंग ऑफ इज ब्रोज, भौहों पर तनाव डालते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो सोचता है कि क्या आइडिया में क्या लिखूँ यहाँ पर। वेन ही फिनिश्ड, वो जब वो लिखना पूरा कंप्लीट कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू, और वहाँ विंडो के पास जाता है और स्टैम्प खरीदता है, वो लिक्ड यानी चाटना, जिसको चाटना बोलते हैं लिक्ड, जैसे इसको चाट के जीप से क्या करता है, थूक लगा करके उसको अफिक्स टू, देखिए अभी लिखते हैं, द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसको लिक करता है स्टैम्प को, स्टैम्प को एनवेलप पे लगाता है और अपने मुक्के के द्वारा उसको चिपका देता है। यहाँ देखिए चित्र में भी हम देख सकते हैं कि लेंचो वहाँ पर जा रहा है और किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस की विंडो से वो पत्र इकट्ठा कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो एनवेलप को चिपका देता है मुक्के से और लिख करके, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर को ड्रॉप करता है और निकल जाता है, तो पोस्ट मास्टर तुरंत जा करके उस पत्र को निकालता है और खोलता है। क्यों खोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि पोस्ट मास्टर को शायद उसने धन्यवाद दिया होगा या क्या किया होगा, तो ये बहुत फनी मूवमेंट अब यहाँ पर आने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। और ओपन करता है, इट सेड, उस पत्र में लिखा रहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीज्ड मी, मुझे सिर्फ 70 पैसों प्राप्त हुए हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, और वो कहता है कि आपने तो मुझे 70 पैसे भेजे, अब मुझे और पैसे उसकी ज़रूरत है तो मुझे भेजो, ये उसका कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजना। क्यों नहीं भेजना मेल के द्वारा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पर बेईमानों का संगठन बना हुआ है, बहुत गुच्छा है बेईमानों का, इसलिए आप मेल के द्वारा ये पैसे नहीं भेजना, लेंचो, लेंचो लिखता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, ये फेथ गॉड के ऊपर, फेथ के बारे में है, और एक फनी उसको टर्न एंड किया है कि किस प्रकार से लेंचो उसको लिखता है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस और उसका फेथ इतना रहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, जो भी गलती हुई है वो यहाँ मेल में जो पैसे आए हैं उसके कर्मचारियों के द्वारा हुई है। तो बच्चों ये था हमारा लेटर टू गॉड का चैप्टर, जो हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, मुझे आशा है आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों आपका एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके बीच बीच में से भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।